कोलंबुट बीच पे गोवा, और मैं यहाँ पर आपको यहाँ का बीचेस और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह बताऊंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रैवल फूड। आज मैं हूं अमित, और आज मैं आया हूं कलंगुट बीच पे गोवा, और मैं यहां पर आपको यहां का बीचेस और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह बताऊंगा, और यहां का मार्केट भी आपके सामने एक्सप्लोर करूंगा। तो मेरे वीडियो में बने रहे, जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक शेयर कमेंट करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और बने रहें मेरे साथ और देखते रहें। तो चलिए चलते हैं कलंगुट बीच। और शेक्स वगैरह के क्या है, और वाटर स्पोर्ट्स का क्या रेट्स वगैरह है, सब कुछ जानेंगे, पता करते हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहे मेरे चैनल पे। मेरे सामने आपको मिलेगा सागर फैमिली प्योर वेज रेस्टोरेंट है। यहाँ पे वेज के भी काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं वेजिटेरियंस के लिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको नॉन वेज ही मिलेगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेज के ऑप्शंस हैं। तो बने रहें और देखते रहें। यहाँ पर ये कुछ यहाँ से एंट्रेंस होने के बाद ये यहाँ का कुछ मार्केट है, यहाँ पुलिस चौकी बनी हुई है एक। ये पूरा यहाँ से आपको वॉक करके जाना पड़ेगा। पार्किंग पीछे है मेरे, वहाँ पे पार्किंग पीछे है, और टू व्हीलर का 30 रुपीज़ है। और ये मार्केट कुछ ऐसा है, यहाँ पर आप अंदर एंट्री लेते ही आपको सब यहाँ पर जो टैटू वाले हैं और वाटर स्पोर्ट्स करवाने वाले आपके पीछे आतेंगे, आपसे आके पूछने लगेंगे। अगर आप टैटू बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आके जरूर करें, बनवा लें, यहाँ पर बहुत एक से कलाकार मिल जाएंगे। तो यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स अगर आप सिंगल करते हैं तो आपको महंगा पड़ेगा, और अगर पैकेज लेते हैं तो सस्ता पड़ेगा। ये काजू की शॉप्स यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, काजू की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है यहाँ पर गोवा में। काजू शॉप पे मैंने एक वीडियो बनाया, जल्दी देखने को मिलेगा वो आपको। जो लोग एंजॉय करना चाहते हैं यहाँ पर, उनके लिए भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा सारे ऑप्शन। ये आगे मेन एंट्रेंस पे ये कुछ इस तरह से, ये यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बीच पे नॉन वेज लवर्स के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे। एंट्री है यहाँ की, ये मैं अंदर आ चुका हूँ कलंगुट बीच, जो कि गोवा का सबसे फेमस बीच हैगा कलंगुट। और यहाँ पर आप क्राउड देख सकते हैं, ये पीछे आप मेरे देख सकते हैं आई लव गोवा, यहाँ पर आप सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। ये हैगा पीछे का कुछ व्यू बीच का, चलो चलते हैं बीच के तरफ और वाटर स्पोर्ट्स के बारे में और जानेंगे कि क्या क्या रेट्स वगैरह हैं। मेरे पीछे आप शेक्स वगैरह देख सकते हैं, ये शेक्स हैं, यहाँ पर आप आके आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, और यहाँ पर आपको सब बियर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, और यहाँ पर आके आप आराम से पूरा अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये मेरे पीछे देख सकते हैं शेक्स वगैरह। गाइस, मैंने यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स के लिए बात करी थी, जो सिंगल सिंगल में बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था, और मुझे और मेरी फैमिली को वाटर स्पोर्ट्स करना था, तो मैंने यहाँ पर एक कलंगुट बीच पे ही सफल टूर एंड ट्रेवल्स है, वहाँ से अपना वाटर स्पोर्ट्स का पैकेज लिया मैंने, जो मुझे 1300 रुपये में मिला है, और उसमें 5 वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी
करने को मुझे मिलेगी, तो वो ही हम आगे जा रहे हैं जहाँ पर मुझे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना है। तो मेरे चैनल पर बने रहें मेरे साथ और देखते रहें, हम आगे जाके वहीं वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जहाँ वो लोग करवाते हैं कालूंगट बीच पे, वहाँ जाके हम एक्टिविटी करेंगे। तो मैं आपको उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से मुझे डायरेक्टली बात कर सक। उनके पास बहुत से पैकेज वगैरह मिल जाएंगे। जो मैंने उनसे पैकेज लिया है उसमें मुझे जेट स्की, मोटर बोट राइड, पैरासेलिंग और बनाना राइड और बम्पर राइड, ये 5 एक्टिविटी वो मुझे कराएंगे, जिसका चार्ज उन्होंने 1300 रुपये लिया है। तो आगे मेरे चैनल में बने रहे मेरे साथ और मैं आपको बताऊंगा वो एक्टिविटी हमने उगने कैसे की है। तो आप उनको देखें और एक्सपीरियंस करें और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम की होगी, जो आपके गोवा टूर प्लान में आपके बहुत काम आने वाली है। कलंगुट मेन बीच से राइट टर्न लेके 300 मीटर के करीब आगे आने के बाद उनका पॉइंट है जहाँ वो एक्टिविटी कराते हैं। पानी काफ़ी ठंडा है, धूप ज़्यादा तेज है, पानी इसमें ठंडा है। तो गाइस लगभग हम पहुंच ही गए हमारे जहां पर एक्टिविटी हमको करना है वाटर स्पोर्ट्स की। तो वीडियो में बने रहें और पूरी एक्टिविटी को देखते रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो देखिए एक्टिविटी, ये फर्स्ट एक्टिविटी बनाना राइड। गाइस ये है पैरासेलिंग, और पैरासेलिंग के लिए हम काफ़ी बीच से काफ़ी दूर मोटरबोट से हमको लेकर आए थे, और जिस मोटरबोट से हमको लेकर आए थे उसी मोटरबोट को ये पांचवी राइड में काउंट करते हैं, जो मोटरबोट राइड कहलाती है। वो हमारी पांचवी राइड भी हो गई थी, जो मैं उसको आपको वीडियो नहीं बना पाया। तो ये है पैरासेलिंग और ये है जेट स्की। गाइस वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी करने के बाद हम अपने होटल चले गए थे, क्योंकि हम काफ़ी थक गए थे। तो उसके बाद हम यहाँ रुके नहीं और मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया था। फिर उसके बाद हम शाम को वापस कलंगुट आए थे, तो मैंने यहाँ का नाइट लाइफ और यहाँ के डिस्कोथेक वगैरह का वीडियो बनाया था, तो आप वो देख सकते हैं यहाँ की नाइट लाइफ कैसी थी। गाइस ये है कलंगुट बीच नाइट लाइफ, यहाँ पर सब कुछ ओपन है, कोई कोविड गाइडलाइन नहीं है यहाँ पर, और ये पूरे डिस्कोथेक और सब कुछ चालू है। यहाँ पर शेक्स वगैरह बने हुए हैं, आप यहाँ पर बेड पे बाहर बैठ सकते हैं, आप खाने पीने का कुछ भी यूज खा ले सकते हैं और यहाँ पर फ्री एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप खाने पीने बियर वगैरह कुछ भी लेते हैं तो यहाँ के डिस्कोथेक को भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये यहाँ की कुछ नाइट लाइफ ऐसी है, अगर आप गोवा टूर प्लान कर रहे हैं तो कलंगुट बीच में ज़रूर आएँ और यहाँ की नाइट लाइफ को इन्जॉय करें। ये कुछ ऐसी नाइट लाइफ और आपका गोवा टूर को एक यादगार टूर बनाए, कि अगर गोवा आते हैं और यहाँ की नाइट लाइफ आपने एंजॉय नहीं की तो गोवा आने के बाद आपने कुछ नहीं किया। तो यहाँ ज़रूर आए आप। गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और तो मेरे चैनल पर बने रहें और गोवा ब्लॉग के मेरे आने वाले और भी वीडियोज़ को इसी तरह देखते रहें और मुझे सपोर्ट करें। यह है गोवा की नाइट लाइफ।